गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम दीपक कुमार एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फेरेंटी इफेक्ट। तो आई एम गोइंग जानते हैं ये फेरेंटी इफेक्ट होता क्या है। तो जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द फेरेंटी इफेक्ट इज द इंक्रीज इन वोल्टेज ऑपरेटिंग एट द रिसीविंग एंड ऑफ ए वेरी लॉन्ग एसी इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन लाइन रिलेटिव टू द वोल्टेज at the secondary and sending end when the load is very small or no load is connected। तो definition में ये बोला जा रहा है कि ये जो फ्रंटी इफेक्ट होगा वो sending end का जो voltage होगा वो कम होगा और receiving end का जो voltage होगा वो ज़्यादा होगा। और ये कब होगा? जब no load रहे या जो load रहेगा वो very low रहेगा, बहुत ही कम रहेगा। इस केस में हमारा रिसीविंग एंड का वोल्टेज ज्यादा हो जाता है इन कंपेयर टू सेंडिंग एंड। तो जैसे कि हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि किसी भी वोल्टेज को अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो वोल्टेज का ड्रॉप होता है, यानी कि सेंडिंग एंड में ज्यादा होना चाहिए और रिसीविंग एंड में कम होना चाहिए। लेकिन यह कुछ अलग हो रहा है, तो हम लोग आइए जानते हैं कि वो क्यों रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक नॉमिनल 5 वोल्ट का सर्किट लिए हुए हैं जिसमें कुछ रेजिस्टेंस होगा जिसको R1 से और उसका कुछ इंडक्टेंस होगा तो L1 से डिनोट किए हुए हैं और यहाँ पे R2 भी है और L2 भी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई भी ट्रांसमिशन लाइन में वहाँ पे तीन प्रॉपर्टी काम करता है, रेजिस्टिव प्रॉपर्टी, इंडक्टिव प्रॉपर्टी एंड कैपेसिटिव प्रॉपर्टी। तो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी, इंडक्टिव प्रॉपर्टी और यहाँ पर कैपेसिटिव प्रॉपर्टी भी दिखाई हुए हैं। अब होता क्या है, सेंडिंग एंड से जब हम लोग वोल्टेज को सप्लाई करते हैं तो यहाँ पे IS करंट फ्लो करेगा, करंट इन सेंडिंग एंड। इस R1 के कारण कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ वो रिसीविंग एंड सॉरी इंडक्टेंस के पास जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, चार्ज का तो यहाँ पे जो है हमारा ये RL सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट है। तो इसमें होता क्या है कि वोल्टेज यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा और चूंकि यहाँ कैपेसिटिव सर्किट है इसके कारण हमारा वोल्टेज में कुछ इंसर्ट हो जाएगा, समथिंग वोल्टेज जो होगा, कुछ वोल्टेज जो है वो इंसर्ट हो जाएगा लाइन में, जिसके कारण जो वोल्टेज था जो हम सेंडिंग एंड में वोल्टेज डाले थे वो हम लोग का कुछ यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह हमारा जो कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और कुछ कुछ वोल्टेज ऐड होते जाता है। आइए हम लोग फेजर डायग्राम से समझते हैं कि ये हो कैसे रहा है। जैसे ये जो हमारा VR है, VR जो होगा वो रिसीविंग एंड का वोल्टेज होगा, रिसीविंग वोल्टेज होगा और यहाँ पे जो IC करंट होगा, ये जो IC करंट है, चार्जिंग करंट है, वो क्या होगा, उसका वैल्यू होता है 1/2 VRC0 ωL। यहाँ IC जो होगा वो चार्जिंग करेंट होगा, L जो होगा लेंथ ऑफ द लाइन होगा, VR जो होगा रिसीविंग वोल्टेज होगा, C0 जो होगा वो लाइन कैपेसिटेंस पर किलोमीटर होगा और ओमेगा जो होगा वो आप लोग जानते हैं 2π होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो मेरा रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज होगा, ये जो IC करंट होगा, क्योंकि ये कैपेसिटिव प्रॉपर्टी है तो इसका करंट जो होगा वो लीड करेगा 90 डिग्री से। तो हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं IC करंट जो है लीड कर रहा है VR से 90 डिग्री के। अब होता क्या है कि इसमें जो IC करंट जो है इसका जो वोल्टेज का जो स्टोर होगा वो होगा ICR और ये जो होगा क्योंकि लीडिंग टाइप है तो इसलिए ये लीड होगा 90 डिग्री से। तो हम लोग दिखाएंगे इसको लीड हुआ है 90 डिग्री से। इस इंडक्टेंस के कारण वोल्टेज में लैगिंग होगा और वो जो लैगिंग होगा वो 90 डिग्री से होगा। दिस इज ये है इसको हम लोग IC से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे जब हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं ये जो रिजल्टेंट निकलेगा ये हमारा सेंडिंग एंड का वोल्टेज निकलता है रिजल्टेंट और ये जो होगा देख आप लोग देख सकते हैं ये जो VS होगा वो लेस देन होगा VR का। तो इससे हमको पता चल रहा है कि हमारा जो रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज है वो ज़्यादा है इन कंपेयर टू सेंडिंग एंड। इसी इफेक्ट को हम लोग फ्रंटी इफेक्ट का बोलते हैं। थैंक यू।